चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू इक्वल पॉइंट चार्जेस आर फिक्स एट एक्स इज इक्वल टू माइनस ए एंड एक्स इज इक्वल टू प्लस ए ऑन द एक्स एक्सिस, अनदर पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू इज प्लेस एट द ओरिजिन, द चेंज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपिटल क्यू व्हेन इट इज डिस्प्लेस बाय स्मॉल डिस्टेंस एक्स अलोंग एक्स एक्सिस इज अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू। अच्छा, चेंज जो होगा, पहली बात तो दो सिनेरियो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है, एक दोनों सिनेरियो को देख लो। ये ओरिजिन है, यहाँ पर एक चार्ज रखा है, एज्यूम करो प्लस क्यू है, यहाँ एक चार्ज रखा है, ये भी प्लस क्यू है, इसका कोऑर्डिनेट है माइनस ए कॉमा जीरो, इसका कोऑर्डिनेट है प्लस ए कॉमा जीरो, ठीक है। यहाँ पर प्लस कैपिटल क्यू चार्ज, एज्यूम करो प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ, ठीक है, ओरिजिन पे। तो यहाँ पर क्यू की एनर्जी और यहाँ पर दूसरे सिनेरियो में एनर्जी कितनी होगी, दूसरे सिनेरियो में कितना होना चाहिए, दूसरा सिनेरियो मतलब अगर, अच्छा ये डिस्टेंस जो है वो ए, मैग्नीट्यूड के टर्म में बात की जाए तो ये भी ए होगा, ये भी ओ ए होगा मैग्नीट्यूड के टर्म में, डायरेक्शन वाइज तो ये लेफ्ट साइड है निगेटिव है, ये राइट साइड पॉजिटिव है। अच्छा अगर मैं कहूँ ये दो सिनेरियो, दूसरा सिनेरियो ये केस वन, ये केस टू, यहाँ प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, अगर ये चार्ज कैपिटल क्यू चार्ज प्लस कैपिटल क्यू अगर यहाँ मूव कराया गया ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस मूव कराया गया, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए माइनस एक्स होगी ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस यहाँ से ये डिस्टेंस पूरी ए प्लस एक्स होगी, और एक्स बहुत छोटा है, एक्स इज वेरी स्मॉल, बहुत बोल रहा है ना, स्मॉल डिस्टेंस, छोटा डिस्टेंस है, ठीक है, करेक्ट है। तो अब दोनों सिनेरियो में एनर्जी की बात करते हैं, यहाँ पर एनर्जी कितनी होगी बताओ, यहाँ पर एनर्जी कितनी होनी चाहिए, के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए प्लस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए होनी चाहिए, यानी टू कैपिटल क्यू के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए होनी चाहिए ना इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा दूसरे केस में यहाँ पर फाइनल कितनी होगी बताओ, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन, इस वाले केस में ए प्लस एक्स होगी, इस वाले केस में के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए माइनस एक्स होगी। अब सबसे पहली बात इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ब्रैकेट में वन अपॉन ए प्लस एक्स प्लस वन अपॉन ए माइनस एक्स, ये थोड़ा सा कॉमन एलसीएम और ले लिया जाए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा ए माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स, एक्स एक्स काटा टू ए आया ना, तो यू फाइनल, यू फाइनल यहाँ लिख सकते हैं, यू फाइनल इज इक्वल टू टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इंटू ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है, यू फाइनल चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल निकालते हैं, टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इंटू ए बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस यू इनिशियल, इनिशियल टू के स्मॉल के क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए, इसमें कॉमन क्या होगा, कॉमन बताओ, कॉमन होगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई, अच्छा वन बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए भी तो छूट गया, ए तो छोड़ना पड़ेगा यहाँ, ठीक है, माइनस वन अपॉन ए। अब एलसीएम ले लो, नेक्स्ट पेज पे कर लें, चलो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे स्टेप एक बार फिर से, ठीक है नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल की वैल्यू टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई वन बाई ए बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई ए, यही ना एलसीएम है, एलसीएम अब लेना होगा हमको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए, ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ये कितना हो जाएगा,
ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा ना, आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन टू ए, डेल्टा यू की वैल्यू यानी डेल्टा यू, और एक्स बहुत छोटा है ए से तो एक्स स्क्वायर तो और भी छोटा होगा ए स्क्वायर से, तो इसको इग्नोर किया जा सकता है, टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन इसको ए स्क्वायर इंटू ए इंटू एक्स स्क्वायर, यानी डेल्टा यू की वैल्यू प्रोपोर्शनल हो जाएगी ना एक्स स्क्वायर के, करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन सही है चेक कर लो, डेल्टा यू एक्स स्क्वायर के, ये वाला एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी, करेक्ट है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।